पटना में लगभग 150 सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को कोरोना वायरस से बचाव के लिए टीका लगाया जा रहा था, लेकिन 44 प्राइवेट अस्पतालों में टीकाकरण का काम अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। इधर 18 साल से अधिक उम्र वाले युवाओं को टीका लगाने के लिए अभी इंतजार करना होगा। बिहार पुलिस ने अपने अफसरों और जवानों की छुट्टी पर रोक लगा दी है। राज्य में लॉकडाउन लगाए जाने के बाद पुलिस मुख्यालय ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। एडीजी मुख्यालय जितेंद्र कुमार के हस्ताक्षर से जारी आदेश में कहा गया है कि लॉकडाउन को सफलतापूर्वक लागू करने में पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए अधिकारियों और कर्मियों के अवकाश अगले आदेश तक रद्द किए जाते हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव 9 मई को आरजेडी के विधायकों और नेताओं के साथ वर्चुअल मीटिंग करेंगे। इस मौके पर लालू यादव भी मौजूद रहे। आरजेडी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर इसकी जानकारी दी। बिहार में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। तेज आंधी पानी के साथ आकाशीय बिजली गिरने की घटनाएं बढ़ी हैं। सूबे में कई जगहों पर ओले गिरने की भी सूचना है। हवा की रफ्तार अधिकतम 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रहने की वजह से जनजीवन पर इसका असर पड़ा है। मौसम विज्ञान केंद्र ने मौजूदा मौसमी सिस्टम को देखते हुए राज्य के सभी जिलों के अलर्ट जारी कर 7 मई तक सचेत रहने को कहा। कोरोना मरीज अस्पतालों के बाहर एम्बुलेंस में ही जिंदगी और मौत के बीच जूझने को विवश हैं। कई भर्ती होने के इंतजार में ही दम तोड़ देते हैं। ऐसे में हाई कोर्ट की फटकार के बाद पीएमसीएच और आईजीआईएमएस में बड़े बेड का कोई फायदा गंभीर मरीजों को नहीं मिल रहा, क्योंकि आईसीयू बेड जस की तस हैं। बिहार वासियों के लिए एक राहत की खबर है। खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राज्य के 8.71 लाख भावुकों को मई माह में 10 किलो अनाज मुफ्त मिलेगा। इसमें 5 किलो केंद्र और 5 किलो राज्य सरकार देगी। बिहार में कोरोना महामारी के नियंत्रण को लेकर सरकारी प्रयासों पर दायर जनहित याचिका की सुनवाई अब चीफ जस्टिस संजय करोल खुद करेंगे। चीफ जस्टिस के आदेश से इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इन मामलों में दायर 3 जनहित याचिकाओं की सुनवाई अब चीफ जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एस कुमार की खंडपीठ करेगी। बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर नीतीश सरकार ने 5 मई से 15 मई तक लॉकडाउन लगा दिया है। इस दौरान सूबे के हर जिलों में पुलिस की गश्ती बढ़ा दी गई है, लेकिन आपराधिक घटनाएं बदस्तूर जारी है। राज्य के अलग अलग जिलों में 24 घंटे के भीतर विवाहित महिला समेत 4 लोगों की हत्या कर दी गई। बस में महिला को उल्टी होने पर कोरोना संक्रमित होने के शक पर यात्रियों द्वारा 2 बच्चों संग महिला को रास्ते में बस से उतरवाने का मानवता को शर्मसार करने का मामला सामने आया है। बताया जाता है कि बस में महज उल्टी होने और तबीयत खराब होने पर बस में सवार बाकी यात्रियों ने कोरोना के खौफ और शक के चलते बस के चालक पर दबाव बनाते हुए एक महिला को उसके 2 मासूम बच्चों संग चौपारण में किसी होटल के पास उतार दी और बस आगे बढ़ गई। स्वास्थ्य विभाग ने निजी एम्बुलेंस चालकों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए निजी एम्बुलेंस का किराया तय कर दिया। स्वास्थ्य विभाग के निदेशक प्रमुख डॉक्टर नवीन चंद्र प्रसाद ने किराया निर्धारण संबंधी आदेश जारी कर दिया है।